न्यूज वॉइस जो हर खबर से आपको कराए रूबरू। लगातार नजर रखी हुई है। कल भी प्रधानमंत्री जी ने देश के सभी मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस की है। रात को ही कल शाम को ही हवाई अड्डे पर 2.5 घंटे वीडियो कॉन्फ्रेंस चली है। निर्देश दे दिए गए हैं सब और अलग अलग शहरों के हिसाब से इसका हम मूल्यांकन करेंगे। और सख्ती तो जरूर कोई ना कोई बरतनी पड़ेगी। बहुत सी चीजें हमने लागू करने के लिए पहले ही कह दिया है कि सोशल डिस्टेंसिंग है, मास्क का प्रयोग है, सैनिटाइजेशन है, गैदरिंग कम करें। और स्कूलों को भी हमने विचार किया है कि जो प्राइमरी और मिडिल तक के स्कूल ये 30 अप्रैल तक हम बंद कर देंगे। इसके बाद जैसी आवश्यकता होगी वैसा वैसा देखेंगे, लेकिन कुल मिलाकर के सामान्य जीवन अपना चलता रहे, एकदम पैनिक क्रिएट न किया जाए जैसे प्रारंभ में पिछले साल हो गया था। मार्च और अप्रैल में कितना पैनिक फैला था, पैनिक ना फैले। व्यवस्था में सारी चीजें चाहे वो प्रिवेंटिव है चाहे वो क्यूरेटिव है, उसके अंदर इंजेक्शन यानी जो हमारा वैक्सीनेशन है, वैक्सीनेशन का भी हमारा प्रयोग चल रहा है। लगातार हमारी जो उसका एक्टिव पेशेंट्स है उसका भी हम कर रहे हैं, पहचान कर रहे हैं, उनका इलाज भी ठीक से चल रहा है। इस बार ज़्यादातर पेशेंट्स अपने घरों में ही उनको आइसोलेशन किया जा रहा है, हॉस्पिटल में आने की आवश्यकता बहुत ज़्यादा नहीं महसूस की जा रही। फिर भी हॉस्पिटल में भी हमारी पर्याप्त व्यवस्थाएँ हैं। इसी प्रकार का कोई भी ऐसा पैनिक नहीं है कि हम इसके ऊपर काबू नहीं पा सकेंगे। मुझे पूरा भरोसा है कि हम इन सारी व्यवस्थाओं से जैसे पहले काबू पाया था फिर से हम काबू पा रहे हैं।